माफ करना मिस्टर सुरेश जी नहीं रहे मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ एक साल भूख का चबाया। अब मुझे कैंसर हुआ है और मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का। अगर मुकेश की बात मानी होती तो आज सुरेश जिंदा होता। Hi guys, my name is Sanchit. And I am Sachin. And welcome to Fitness Wale. Guys, आज का हमारा टॉपिक है कि स्मोकिंग आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट कर सकती है। So guys, हमारे वीडियो एंड तक देखते रहिए। हम आपको टिप्स देंगे कि आप स्मोकिंग कैसे छोड़ सके और हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं स्मोकिंग करने से, वह आपको सब बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स। तो वह सिगरेट के अंदर एक निकोटिन होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाके एक चेन क्रिएट कर देता है, जिससे हम सिगरेट पीने की हमको थोड़ी तड़प पड़ जाती है। अक्सर दिखाया गया कि बहुत लोग एक दिन के अंदर एक ही डब्बे सिगरेट पी जाते हैं जो कि उनके लिए बहुत खराब है। तो हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी के क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है सिगरेट पीने से। तो गाइस इसको थोड़ा पॉइंट्स के अंदर लेके समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम इंक्लूड करते हैं इसमें ऑक्सीजन लेवल। तो जो लोग सिगरेट पीते हैं उनकी बॉडी को उनके लंग्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए उन लोगों के मुकाबले जो लोग सिगरेट नहीं पीते। गाइस अब सेकंड पॉइंट लेते हैं हम स्टैमिना। अगर गाइस आप वर्कआउट करते हैं इसमें आप हाई रिपीटेशन लेते हैं, जैसे आप 16 से 18 रिपीटेशन लेते हैं, तो उसमें होगा क्या, जो लोग स्मोकिंग करते हैं जैसे कि आपको बताया कि उनको ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है एज कम्पेयर टू जो लोग स्मोकिंग नहीं करते। तो इससे आप ज्यादा रिपीटेशन नहीं कर पाओगे, आपको थकान हो जाएगी, आपको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, जिससे आपके लिए बहुत पेन हो सकता है। थर्ड पॉइंट अपन गाइस बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल। अब ऑफकोर्स सिगरेट ड्रॉप करती है टेस्टोस्टेरोन लेवल को, उससे अपन टेस्टोस्टेरोन का लेकिन काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन का मेन काम है मसल बिल्ड करना, फैट लॉस करना। अगर आप सिगरेट पीते तो आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा मसल बिल्ड करना और फैट लॉस करना। गाइस लास्ट टाइम पॉइंट लेते हैं, हमारे बहुत से ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती है सिगरेट का, जैसे हमारे लंग कैंसर हो गया, हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज प्रॉब्लम हो गई, तो बहुत से ऐसे फर्क पड़ते हैं हमारे बॉडी के अंदर सिगरेट से जो कि आप नहीं। सो गाइस अब तक हमने बात करी कि सिगरेट पीने से हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हमें सिगरेट छुड़वा सके। सो गाइस अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपके आसपास के लोग हर कोई आपको बोलेगा कि सिगरेट छोड़ दो, यहाँ तक कि टीवी भी आप देख सकते हैं कि आपको बोलेंगे कि चिकन खा लो सिगरेट छूट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम आपको ऐसे दो मेन टिप्स बताएंगे जिससे आपको सिगरेट छोड़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। गाइस फर्स्ट हम पॉइंट लेते हैं एमआईएम। वैसे अगर आप सिगरेट पीते हैं आपके साथ साथ आपके ग्रुप में फ्रेंड सर्कल में कोई भी सिगरेट पीता हो तो आप उससे दूर हो जाइए, आप ऐसे एनवायरनमेंट चेंज कर दीजिए। अब ज़्यादा समय अगर फैमिली या फ्रेंड या लोगों के साथ बताइए तो इन चीज़ों से दूर रहता हो, जिससे आपकी भी सिगरेट छूट जाएगी। वैसे सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं हॉबी की। आप कोई ऐसी हॉबी बना लीजिए जिससे आप बिजी रहें पूरा दिन, जिससे आपको सिगरेट पीने से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो आपको हेल्प करेगा सिगरेट छोड़ने में। वैसे ये था हमारे कुछ पॉइंट्स एंड टिप्स स्मोकिंग क्या कम आप बॉडी का फैक्टर सकती है। तो अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल फिटनेस वाले। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।